नमस्ते। आज की ब्लॉग में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज का ब्लॉग होने वाला है थोड़ा सा खास, क्योंकि आज के ब्लॉग में मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपने खेत और अपने केले का बगीचा, जहाँ पर बहुत सारे केले आजकल लगे हुए हैं। और फिर अब हम उनको कैसे पकाते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो प्लीज़ आप वीडियो को लास्ट तक देखना, और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर और कमेंट करना। थैंक यू। किसान, केलों का किसान। देखो पके हुए केलों को अलग करते हुए। पहले हमने ये वाले केले पकाने के लिए रखे थे, तो ये केले अब हमारे पूरे पक चुके हैं, अब इनको हम खाएंगे। ये है केले के बगीचे की मालकिन, जिन्होंने ये केले लगाए थे। और ये केले इन्होंने कब लगाए थे अभी आपको बताएंगे। का हाँ लगाई हाँ चार अच्छा पांच जब वो ये है। साथ में मेरी मम्मी मम्मी ने बताया कि जो यहाँ पर केले के पेड़ लगाने की रिवाज ये है कि जब जनेऊ होता है किसी का, तो जनेऊ के दिन केले के पेड़ लगाए जाते हैं। और ये पूजा हाँ का पूजा का केले के पेड़ को बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। तो ये जिससे हमने अभी केले तोड़े हैं, ये मेरे पति के जनेऊ के दिन लगाए गए थे, जब वो 13 साल के थे। तो 13 साल में आज ये हमें फल दे रहा है। 13 साल से ये हमें ऐसे ही केले खिलाते हुए जा रहा है पेड़ हमें। तो ये देखिए, हम कभी भी मार्केट से नहीं खरीदते हैं केले, हमेशा हर सीजन में हमारे घर में ही हो जाते हैं। और इतने ज्यादा हो जाते हैं कि एक्स्ट्रा हो जाते हैं, पर बाजार यहाँ पर नहीं होने के कारण हमें खुद ही खाने पड़ते हैं ये सब, दूध क्या ना रहा चाहते हुए भी। मम्मी आपको बताएगी कि इन केलों को कौन सा केला कहा जाता है। हाँ इनको? दूध केला, दूध वाला केला। दूध वाला केला, क्योंकि इनका स्वाद दूध जैसा होता होगा ना। हाँ दूध वाला केला है। केले हाँ तो कितने प्रकार के होते हैं, हाँ ये दूध वाला केला है। देख सकते हो कि एक केले की जो घड़ी होती है, इसको घड़ी बोला जाता है। इसमें बहुत सारे केले होते हैं। तो अभी इसमें शायद कितने होंगे मम्मी केले? कुछ चिड़िया ने खा दिए होंगे। कुछ तो इसमें से चिड़िया ने खा दिए। तो कितने होंगे अभी इसमें? 70 के करीब होंगे ना। 8-9 हाथ को हाँ 8-9 हाथ है। मतलब निशान 8-9 हाथ का मतलब है कि इसमें 8-9 दर्जन होंगे। तो लगा लो 72 के समथिंग इसमें अभी केले हैं। अब हम इनको पकाएंगे। आज हमारे साथ यहाँ पे आ रखी है मानुली आमा और ललिता आमा, दोनों हमारे केले पकाने में मदद कर रही है। जाएगी। एक आमा और आ गई हमारी। ये सब जेठानी देरानी हैं और केले पकाने में हमारी मदद कर रहे हैं। अभी पकाओ आप। ये देखो चलो हो गया। जंगल इसी के साथ आज के ब्लॉग को यहीं पर खत्म करती हूँ।
तो आपको कैसा लगा आज का ब्लॉग, जरूर प्रतिक्रिया करें। अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट करिएगा। मैं अंजलि कार्की एक नए ब्लॉग में फिर से मिलूंगी आपके साथ कुछ नई चीजों के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग माई चैनल। गुड बाय।